गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द एसआर पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स फॉर 8th क्लास एंड द बुक दैट वी आर फॉलोइंग। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए वो है आर एस अग्रवाल। नेम ऑफ बुक इज मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 बाय आर एस अग्रवाल। तो अगर हम अब इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो फर्स्ट चैप्टर है इसका रैशनल नंबर्स। ओके, सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उससे पहले आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमारे जो भी नंबर हमारे स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अगर मैं होल नंबर की बात करता हूँ तो होल नंबर हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूँ तो इंटीजर्स हमारा क्या होता है, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पॉजिटिव में जाएगा, और 0 से अगर मैं नेगेटिव में जाऊँगा तो -1, -2, -3। सो ऑल द नंबर्स इंक्लूडिंग 0, 0 सारे नंबर्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, पॉजिटिव में हो, नेगेटिव में हो और 0 हो, वो हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। और हमारे फ्रैक्शंस क्या होते हैं, जो नंबर्स हमारे पॉइंट्स में होते हैं, लाइक 1.2, 1.3, 1.5, 2.5, -2.5, ये नंबर क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे फ्रैक्शंस में होते हैं। तो अब हमारा इसके बाद आता है हमारा रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर मेनली हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, तो डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर की, सो जो भी हमारा रैशनल नंबर होता है, सो द नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी, वेयर बी शुड नॉट बी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। मीन्स कोई भी नंबर a अपॉन b की फॉर्म में हो, या a बाई b की फॉर्म में हो, या a डिवाइडेड बाई b। सो हम a अपॉन b को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं a अपॉन b, a बाई b, a डिवाइडेड बाई b। जहाँ पर b हमारा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ध्यान से देखो, अगर मेरा b 0 हो जाए, अगर मैं a डिवाइडेड बाई, अगर मैं 0 कर दूँ, तो हमने पढ़ा होगा डिविजिबिलिटी में अगर 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड नहीं होता। सो ये डिविजिबल नहीं होता, इसलिए हमारा बी क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा ये कुछ भी होगा तो ये हमारा नंबर क्या होगा, रेशनल नंबर। अब देखो एग्जांपल के लिए रेशनल नंबर हमारे क्या हो सकते हैं, 2/5 हमारा रेशनल नंबर है। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा ए अपॉन बी से, तो इस केस में ए हमारा क्या हो जाएगा, 2। देखो सिंपल, 2/5 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर। अब ये क्या है हमारा, अगर मैं ए वाई बी की फॉर्म से कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसको ए अपॉन बी और ये 2/5, तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, 2, और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है हमारा, ए। ऐसे ही तो ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, 2। ओके, एंड अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे हमारा क्या है, 5। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, बी, तो बी कितना आ जाएगा हमारा, 5। ठीक है, फिर से देखो, अगर नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कंपेयर करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कंपेयर करेंगे, सो देखो नॉमिनेटर में यहाँ पे क्या है हमारा, 2, यहाँ पे क्या है, 1। ओके, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, बी, और ये क्या है, 5। मीन्स ऊपर जो होगा उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटर, और नीचे जो होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। सो अगर मैं इसकी बात करूं a अपॉन b, तो ऊपर वाले को हम बोलते हैं नॉमिनेटर, और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर। ओके, सो ऊपर वाले को ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से कंपेयर करेंगे। अब ऊपर वाले यहाँ पे क्या है, 2, और ये यहाँ पे क्या है, 1। तो 2 और 1 दोनों इक्वल है, तो a की जो वैल्यू होगी वो 2 आ जाएगी। ऐसे ही b क्या है, यहाँ पे b नीचे है, यहाँ पे 5 नीचे है,
तो b की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी आएगी इक्वल टू 5। सो यहाँ पे हमारा नॉमिनेटर क्या है 2, डिनोमिनेटर क्या है 5। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो यहाँ से डिनोमिनेटर इस नंबर में डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर क्या होगा मेरा नीचे वाला नंबर, नीचे वाला नंबर क्या मेरा 5, ऊपर वाला नंबर क्या मेरा 2। तो हम कोई भी रेशनल नंबर होगा तो पी सॉरी ए वाई बी की फॉर्म में हम इसको डिनोमिनेट सॉरी डिनोट करते हैं और इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल इसमें क्या हो सकता है, ये -2y7 ले लीजिए, ठीक है। -2y7 का मतलब क्या है, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ a अपॉन b से, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेरा ये और नीचे वाला क्या हो जाएगा मेरा, तो अगर मैं ऊपर वाले को लिखूंगा तो हो जाएगा मेरा -2, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से, 7 = b, ओके 7 = b = -5। सो a क्या है मेरा नॉमिनेटर, b क्या है मेरा डिनोमिनेटर, ओके। अब हमारा रेशनल नंबर क्या हो सकता है, रेशनल नंबर हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से बड़ा और नेगेटिव का मतलब होता है हमारा 0 से छोटा। सो अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड नेगेटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर मींस बड़ा, 0 से बड़ा। नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है इज लेस देन 0, लेस देन मींस 0 से छोटा, ओके। अगर मैं बात करूं यहां पे फिर से इस एग्जांपल का आ जाऊं, 2/5 की बात करूं तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है। देखो ए की वैल्यू क्या है 2 जो 0 से बड़ी होती है, बी की वैल्यू क्या है 5, दोनों 0 से बड़े हैं मींस इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 0 से बड़ी आएगी, तो ग्रेटर देन 0। तो ये जो पहला वाला नंबर होगा वो क्या होगा मेरा पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, ये मेरा एग्जांपल 1 था, ये मेरा था एग्जांपल 2, ओके। तो अगर मैं 2/7 की बात करूं तो ए मेरा क्या है नेगेटिव और बी क्या है मेरा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये जो नंबर है नेगेटिव मींस एक नेगेटिव साइन आना चाहिए, नेगेटिव का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ रहा है, तो अगर जहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है वो क्या होता है मेरा नेगेटिव रेशनल, ठीक है। अब ध्यान से देखिए फिर से, हमने अभी तक क्या पढ़ा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर, मींस कोई भी नंबर हमारा ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा बट बी हमारा 0 नहीं होना चाहिए वो क्या होता है मेरा रेशनल नंबर। एग्जांपल के लिए 2/5 भी हमने एग्जांपल के लिए लिया, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ए अपॉन बी से तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कंपेयर करेंगे, ऊपर वाला नॉमिनेटर होता है नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। इसमें अगर मैं कंपेयर करूँ तो ऊपर वाला नंबर क्या मेरा 2, यहाँ पे ऊपर वाला क्या है a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 5, तो ऊपर वाला नॉमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर, ओके। अब ऐसे ही एग्जांपल 2, इसमें क्या है एक हमने नेगेटिव नंबर का एग्जांपल लिया है, नेगेटिव मींस नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा हमेशा 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए कि 0 हमारा रेशनल नंबर होता है या नहीं होता है, दिस इज योर होमवर्क, ओके। सो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑनलाइन क्लासेस वीडियो ऑफ एसआर पब्लिक स्कूल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।